इलेक्शन स्मूथली चल रहा है, इसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। और गवर्नमेंट का तरफ से भी हम लोग स्पेशली होम डिपार्टमेंट और मैजिस्ट्रेट पूरी कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये इलेक्शन जो ऐसा है, ये निशी यूथ लीडर हम लोग बना रहे हैं, तो निशी को लीड करने के लिए, निशी को गाइड करने देने के लिए, तो यह हमें वो इलेक्ट करेगा। तो फ्यूचर में भी निशी का फ्यूचर क्या होगा, निशी प्रेजेंट का कंडीशन क्या है, तो ये सब एक ये लोग लीड करेगा, यहाँ का लीडर लोग स्पेशली यूथ को और सीनियर लोग को भी ये लोग हेल्प करेगा। कि सीनियर बोलने से हम लोग का एक निशी इलीट सोसाइटी है और हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है हम लोग का निशी कम्युनिटी का। इन लोग को ये ऑर्गेनाइजेशन एक वॉलंटियर कोई भी एक एंगल से ये लोग मदद करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, कम्युनिटी इंटरेस्ट के लिए ये लोग हम लोग लीडर बना रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। आन्या में एग्जीक्यूटिव मेंबर 23 है, तो आउट ऑफ 23 11 अनअपोज इलेक्टेड अनअपोज, और अभी 10 कॉन्टेस्ट हो रहे हैं। उसमें प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और है, हम पूरा डिटेल नहीं देखा है, तो 10 पोस्ट में कंटेस्ट है। सर आज आप लोगों का ये थर्ड डे है, एंड अभी कितना आप लोगों का वोट कितना देर तक रहेगा? नहीं, हम लोग ये एग्जैक्टली वोटिंग प्रोसेस और काउंटिंग का टाइम फिक्स नहीं कर सकता है, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट कर दिया, अभी कंटिन्यूस करेगा वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद काउंटिंग कंटिन्यू शुरू कर देंगे। लोग बोल भी रहे हैं कि अगर आज खत्म हो जाएगा तो रात से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगा, तो रिजल्ट अगर आज शुरू कब डिक्लेयर हो जाएगा? नहीं, रिजल्ट आज ही डिक्लेयर होगा। हाँ, टक्कर तना हम लोगों को अच्छे से बताइए कि वो जो पोलिंग एजेंट्स जो आए हैं एंड देन जो ऑफिसर्स है, पोलिंग ऑफिसर्स है, उन लोगों को आप लोग कहाँ कहाँ से लेके आए? नहीं, ये जो पोलिंग इलेक्शन कमिश्नर, पोलिंग ऑफिसर, प्रोसाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, ये जो ये आउटगोइंग आन्या लोग हम लोग अपॉइंट करता है। और इस बार का जो अपॉइंट करने वाला को, यहाँ में कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन भी था, लीगल गाइडेंस भी है ये, और ये जो इलेक्शन को, तो उस हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर हम लोग को रेस्ट ऑफ द इलेक्शन मेंबर को अपॉइंट किया है। अदरवाइज ये नहीं होने से हम लोग का कम्युनिटी का जो आउट गोइंग आन्या एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करता है। सर लास्टली एक क्वेश्चन आपको रख देंगे कि हमारे अरुणाचल में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो बहुत आगे है, तो आप लोग यू आर मेकिंग अभी जो निशी कम्युनिटी को आप लोग बोल रहे हैं कि जो वहाँ का जो लीडर है उसको आप लोग बनाएंगे, आप लोग फ्यूचर के लिए लीडर को आप लोग प्रेप कर रहे हैं आप लोग यहाँ से, तो क्या हम लोग आगे को देखने मिलेगा कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को फिर एक बदनाम भी है, तो आप लोग के आगे समय में आप लोग जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कुछ पॉलिसीज लेके आएंगे, जैसे कि हम लोग को देखने मिलते हैं कि हमारे जो नेबरिंग स्टेट है आसाम में, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होते हैं उसके लिए भी क्राइटेरिया रहता है कि यू कैन बी गेट मैरिड और इतना मतलब पोजीशंस नहीं होना चाहिए, क्या हम लोगों को अरुणाचल में ऐसे कुछ देखने को मिलेगा आगे जाके? स्पेशली ये जो आन्या जो है निशी कम्युनिटी जो अरुणाचल में है ना, वो लोग के लिए नहीं, हम लोग निशी कम्युनिटी का कुछ लोग असम में भी है, तो इसको ऑल अरुणाचल निशी कम्युनिटी का यूथ एसोसिएशन बोलने से भी होगा। ये प्लेटफॉर्म जो एक्चुअली हम लोग का यूथ को ट्रेन करता है कि आगे जाके यह लीडरशिप, प्रेसिडिंग ऑफिसर है, तो आपको ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि क्या जो अभी इलेक्शन जो अभी कंटेस्ट करने वाले जो ये जो कंटेस्टेंट्स हैं, आपको देखिए लगता है कि दे आर कमिंग फ्रॉम यूथ और उनका जो पोजीशन है, उन लोग जो आपको जहाँ में खुद को कैंडिडेटर के डिक्लेयर कर देते हैं, तो क्या ये यूथ के लिए उन लोग सही रहेगा जो अभी जो कमिंग इलेक्शन का जो एग्जाम्पल आप? हाँ, ये लोग ऐसा है, कैंडिडेट डिफरेंट कॉर्नर से आता है, तो हम लोग यूथ लोग चॉइस करेगा अच्छा लीडर को, डेफिनेटली अच्छा वाला ही जीतेगा, तो कम्युनिटी को अच्छा गाइड करने वाला ही जीतने वाला को रिस्पॉन्सिबल मिलेगा। अगर उसका माइंड सेट होने से वो रिस्पॉन्सिबल की वजह से, इसीलिए हम शुरू में बोला है कि आन्या प्लेटफॉर्म जो एक यूथ को ट्रेनिंग देता है,
इसमें प्योरली ट्रेनिंग भी मिलेगा आगे जाके, किसी को पॉलिटिशियन बनना होने से भी यहाँ का ट्रेनिंग जो उसको हेल्प करेगा। बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए।